सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। नो एक्सरसाइज 7.3 का एक क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्रूशियल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट जरूर होता है, मतलब आपके क्लास 11 के एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा देखना, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा देख लिया और स्किप कर दिया वीडियो को, बट बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना। और इसका जो 7.3 के बाकी के क्वेश्चंस के जो पार्ट हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 7.1, 7.2, 7.3 के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। वर्ड दे रखा है आपके पास परम्यूटेशन, क्या दे रखा बेटा, परम्यूटेशन है ना, पर म्यूटेशन, परम्यूटेशंस, ठीक है। ये आपके पास वर्ड दे रखा है, कह रहे कि इस वर्ड को अरेंज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। देखो कुल कितने शब्द है इसके अंदर, बाकी इसके पार्ट दे रखे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड दे रखा क्वेश्चन का, वो देखेंगे अभी। बट यहां पे अगर हम बात करें कुल अक्षर कितने हैं इसमें, तो कुल अक्षर इसमें हो जाएंगे बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके अंदर 12 अक्षर है, 12 लेटर्स है। अच्छा देखो क्या रिपीट हो रहा है इसके अंदर, क्या क्या रिपीट हो रहा है। देखो टी जो है वो आपका दो बार रिपीट हो रहा है, टी इसमें भी है, टी ए भी है, टी दो बार रिपीट हुआ है। और क्या रिपीट हुआ है देखो, यहां पे पी कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ, ई ई कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ, आर कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ, एम नहीं हुआ है, यू यू भी नहीं हुआ है, टी दो बार रिपीट हो गया, ए नहीं हुआ है, आई नहीं, ओ एन एस और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ, ओनली टी जो है ये आपका दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब यहां पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत एस से होता है। पहला इसमें जो पार्ट दे रखा है, इसमें कुल अक्षर पहले इसका बना लेते हैं पहले कि परम्यूटेशन शब्द को अरेंज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं। तो इस शब्द को व्यवस्थित करके कुल बनाए जाने वाले, कुल बनाए जाने वाले शब्द, कुल कितने शब्द हम बना सकते हैं, तो 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसमें 2 रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, तो 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, यस गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो 12 का फैक्टोरियल 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लो, करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी से बताओ कमेंट में रिप्लाई करो। तो यार 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3, तो ये करीब करीब आपके आ रहे हैं 2, 3, 9, 5, 00, 8, 00। कुल मिला के इतने अक्षर जो है परम्यूटेशंस वर्ड को अरेंज करके हम बना सकते हैं टोटल पहला। अब इसमें पार्ट फर्स्ट में आ जाओ, पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है, पार्ट फर्स्ट कह रहा है कि इसके अंदर कि जो हम शब्द बनाएंगे ना, जो वर्ड हम बनाएंगे वो वर्ड जो है आपका पी से स्टार्ट होगा और एस पे खत्म होगा। यहां पे कह रहे हैं कि चयनित शब्द, चयनित शब्द का प्रारंभ, का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। चयनित शब्द का प्रारंभ जो है पी से होगा और अंत जो है वो किससे होगा, वो एस से होगा, एस पे जाके आपका एंड होगा, ये कह रहा है। तो इसके मतलब पी और एस आपका फिक्स हो जाएगा। देखो यहां पे आपने पी को फिक्स कर दिया प्रारंभ में और आपने एंड में एस को फिक्स कर दिया, जैसे यहां पे ये परम्यूटेशन शब्द है, यहां पे आपका पी फिक्स हो गया, यहां पे आपका एस फिक्स हो गया, ये दोनों फिक्स कर दिया हमने, इसको आप अपनी जगह से हिला नहीं सकते हम। तो इसके बीच में कितने अक्षर बचे,
दस अक्षर, और इस दस अक्षरों को ही आपको क्या करना है, अरेंज करना है। समझना सही से, परमुटेशंस में P और S आपका फिक्स हो गया है, इसको हम अरेंज नहीं कर सकते हैं, इसके इसका स्थान हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो P और S के बीच में क्योंकि 12 अक्षर है, तो P और S को हमने फिक्स कर दिया प्रारंभ और अंत में, तो बचा कितना आपके पास 10 अक्षर, और इस 10 अक्षरों को ही आपको क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। और 10 अक्षरों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इसके बीच में हमारे पास कितने 10 अक्षर बचेंगे, तो कुल जो अविष्ट संख्या होंगी, कुल अविष्ट संख्या या कुल अविष्ट अक्षब्दों की संख्या, देखो 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि 10 अक्षर है। अब इन 10 अक्षर में से टी जो है दो बार रिपीट हो रहा है, टी तो दो बार रिपीट होगा ना आपका, क्योंकि टी तो है उसमें दो बार, तो टी दो बार रिपीट होगा, तो इसका मतलब 2 के फैक्टोरियल से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 10 का फैक्टोरियल आपका जाए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो अब इसके दोबारा से मल्टीप्लाई करो, अब इसके दोबारा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके अगर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, अरे सॉरी 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, ठीक ना, तो ये आपके करीब करीब आएंगे 1814400, है ना, 1814444 जो है 00 हो जाएगा। इतने जो है अक्षर जो है हम बना सकते हैं जिसमें P और S जो है P से प्रारंभ होगा और S पे आपका एंड होगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अच्छा सेकंड पार्ट में आ जाओ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि चयनित शब्द के सभी स्वर एक साथ आते हैं। तो चयनित शब्द में जो जितने भी स्वर है, तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं, वॉवल्स कौन कौन से हैं, देखो तो इसके अंदर अगर स्वर देखेंगे तो ई है आपका ई यू ए आई ओ, कितना ई, देखो ई इसके अंदर ई यू ए आई ओ, ठीक ना, तो कुल मिला के हमारे पास 5 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 5 स्वर है, यस ठीक है। कुल स्वरों की संख्या कितने होंगे, कुल संख्या 5 हो गए। अब कह रहे कि ये जो स्वर हैं ये एक साथ आने चाहिए, ये एक ही जगह आएंगे, कहीं पे भी आएंगे तो एक ही जगह आएंगे। जैसे हमने एक वर्ड बनाया, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो पी इसके बाद ई यू ए आई ओ, तो ये हमारा पूरा एक वर्ड बन गया, इसका हमने पूरा एक पैकेज बना दिया। और इसके बाद फिर आपका आर डबल टी फिर एन एस, है ना, बाकी के जो वर्ड बचेंगे उसको हम इस तरीके से कहीं पे भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। कितने हो गए, रुक जाओ, पी आर एम भी आएगा, सॉरी तो एम यहां पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अरेंज ही तो करना है। तो ये जब भी आप कहीं पे भी लोगे वर्ड के अंदर, तो ये जो आपके वॉवल्स है, ये जो वॉवल्स आपके स्वर जो है, ये हमेशा एक साथ ही आने हैं, इसको हमेशा एक साथ ही रखेंगे आप इसको चेंज नहीं करेंगे, इसका प्लेस एक साथ रखना है। अच्छा बट इसको अरेंज भी आप कर सकते हो, जैसे इसी वर्ड को आप लिख सकते हो एम पी ई ए आई ओ यू, ये एक साथ हो जाएंगे आर टी टी एन एस। अब इस तरीके से आप यहां पे इसको अरेंज भी कर सकते हो, इसको अरेंज भी आप कर सकते हो। तो देखो अब अगर आपने यहां पे इस वॉवल्स को एक साथ ले लिया, सारे वॉवल्स को सभी स्वर को एक साथ ले लिया, तो इसको हम एक ही अक्षर कंसीडर करेंगे। कितने अक्षर कंसीडर करेंगे, एक, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कितने अक्षर होंगे हमारे पास, 8 अक्षर होंगे। तो कुल अक्षर कितने होंगे बेटा हमारे पास, कुल अक्षर होंगे 8, कुल अक्षर होंगे 8। तो सभी स्वरों को एक साथ रखकर बने कुल शब्द, कितने शब्द हम बना सकते हैं सारे स्वर को एक साथ रख के, तो कुल शब्दों की जो संख्या होंगी वो सिंपली आपका हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगेन देखना इसमें टी दो बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल,
आप कहोगे सर क्या यही आंसर होगा इसका, 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल बस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पे हमारे पास पांच स्वर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, और इन पांचों स्वर को अरेंज करना है। तो इन पांचों स्वर को किस तरीके से हम अरेंज, जैसे हमने ये दो अरेंजमेंट बना रखा है तो इस तरीके से हम इसके और सारे अरेंजमेंट बना सकते हैं। हमने इसका एक और अरेंजमेंट बना दिया ए ए ई आई ओ यू, एक अरेंजमेंट ये भी बना सकते हैं। तो इन पांच अक्षरों को अरेंज करके आप कितने वर्ड या इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, तो सिंपली इसको हम पांच का फैक्टोरियल के तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे किसी वर्ड की रिपीटेशंस नहीं है और ना ही शब्दों की हम पुनरावृत्ति यहां पे कर सकते हैं। तो एक ही बार यूज करें तो इसलिए हम इसको पांच के फैक्टोरियल से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इंटू आप यहां पर क्या करेंगे, पांच का फैक्टोरियल लेंगे, इंटू पांच के फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 / 2 से 2 हमारा क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, इसके मल्टीप्लाई करो, देखो 8 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 5 × 4 × 3 × 2 है ना। तो ये करीब करीब आपके आ जाएंगे 2419200। तो इस तरीके से कुल हम कितने शब्द बना सकते हैं बेटा, तो इसमें शब्दों की संख्या जो 2419200, इतने शब्द जो है हमारे बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। यस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यस अच्छा, अब देखो यहां पे नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, जो इसका पार्ट नंबर थर्ड है, इस थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि पी और एस जो है इसके बीच में सदैव चार ही अक्षर आएंगे। कह रहेगा पी और एस को आप इस तरीके से अरेंज कर रहे हो तो उसमें केवल कितने अक्षर आएंगे, पांच अक्षर आएंगे, सॉरी चार अक्षर आएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक यहां पे ले लो 12, ये 12 अक्षरों का एक शब्द बनेगा। कह रहे कि अगर आपने यहां पे P ले लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 चार अक्षर यहां पे हो जाएंगे, S आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने P यहां पे ले लिया तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे आपका S आ जाएगा। अच्छा अगर हमने P यहां पे ले लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे आपका S आ जाएगा। अगर आपने यहां पे P ले लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका S यहां पे आ जाएगा। अगर आपने यहां पे P ले लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका यहां पे S आ जाएगा। अगर आपने P यहां पे ले लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे S आ जाएगा। अगर आपने P यहां पे लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 ये लास्ट में आपका यहां पे आपका S आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो कितना अरेंजमेंट यहां पर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब इसको सात तरीके से हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप P और S को हमने फिक्स कर दिया, यहां पे P को फिक्स कर दिया, यहां पे S को फिक्स कर दिया, तो P और S हमारा फिक्स हो गया, यहां पे P और S क्या हो गया हमारा फिक्स हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो रेस्ट ऑफ कितने हमारे पास एलिमेंट बचे हैं, कितने एलिमेंट हमारे पास बचे हैं, तो कुल हमारे पास 10 एलिमेंट हमारे पास और बचे, मतलब 10 अक्षर जो है हमारे पास और बचे हैं अगर पी और एस को हम क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं। तो यहां पे P फिक्स हो जाएगा, यहां पे आपका S फिक्स हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आ सकते हैं बेटा, 10 अक्षर जो है और आ सकते हैं। तो इसका मतलब इन 10 अक्षरों को ही हमें क्या करना, अरेंज करना है। 10 अक्षरों को क्या करना है, अरेंज करना है। और इस 10 अक्षर में T जो है वो आपका दो बार परमुटेशंस में, आपने देखा T दो बार आ रहा था, तो परमुटेशंस के अंदर T जो है यहां पे दो बार आएंगे। और इसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे, सात तरीके से अरेंज करेंगे। तो 7 से भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे लिखेंगे कुल अविष्ट संख्या, है ना, या शब्दों की संख्या हम लिख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 7 कर लेंगे, है ना, क्योंकि 7 इस ये अरेंजमेंट हो गया। तो 7 और 10 अक्षरों को अगर हमें रिपीट करके दस अक्षरों को अगर हमें रिपीट करके हमें शब्द बनाना है तो हम कितने शब्द बना सकते हैं, 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा 10 का फैक्टोरियल 10 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 3 × 4 ×
टू डिवाइड बाय टू इंटू सेवन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका जाएगा 5 × 4 × 3। तो यहां से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इंटू 7 × 10 × 9। ठीक है, तो ये आपका जाएगा करीब करीब 7620480। तो कुल मिला के इतने अक्षर जो है हम बना सकते हैं कि अगर P और S के बीच में कितने अक्षर हो, 4 अक्षर हो, तो इतने शब्द हम क्या कर सकते हैं, इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा और सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन था। मेन इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोजीशन में आ गया, फिर सेकंड पोजीशन में, ये थर्ड पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन में, फिफ्थ पोजीशन में, सिक्स्थ पोजीशन में, और ये सेवन्थ पोजीशन में होगा, है ना। तो इस तरीके से हम चार चार अक्षर को लेकर आप अरेंजमेंट बनाएंगे, देखेंगे कितने अरेंजमेंट हो रहे हैं, 7 अरेंजमेंट हो रहे हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है ताकि आपको क्वेश्चंस प्रॉपर समझ में आ जाए। फिर भी अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके जरूर देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।